नमस्कार, मेरा नाम सपना दिनोदिया है और आज हम अप्लाइड फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लेजर। लेजर एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत नैरो बीम की लाइट को प्रोड्यूस करती है। इसका उपयोग हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर को नेचर में प्राप्त नहीं किया जाता है, इसे हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हैं। लेजर से जो हमें लाइट मिलती है उसमें ये विशेषता होती है कि इस पे जितनी भी लाइट वेव्स होती हैं सबकी वेवलेंथ एक जैसी होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो लेजर लाइट होती है वो कला संबंध होती है, कोहेरेंट होती है। इसका हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लेजर लाइट में जो लेजर लाइट वेव्स होती हैं उन सबकी जो पीक्स होती है वो एक साथ मूव करती है, सभी पीक्स एक लाइन में होती हैं। अर्थात लेजर लाइट जो है वो कोहेरेंट होने के कारण ही बहुत ही नैरो और इंटेंस, हाईली इंटेंस होती है, डायरेक्टिव होती है और इसको हम एक टाइनी पॉइंट्स पर फोकस कर सकते हैं। लेजर लाइट में स्प्रेड आउट नहीं होता है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी ट्रेवल कर सकती है। लेजर लाइट को हम स्मॉल एरिया पर कंसेंट्रेट करके हाई टेम्परेचर भी प्रोड्यूस करते हैं। इसका उपयोग हम जो है डायमंड्स की कटिंग में और थिक मेटल्स की कटिंग में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें डेलिकेट सर्जरी के लिए भी हम लेजर लाइट का उपयोग करते हैं। लेजर का उपयोग कम्युनिकेशन में किया जाता है, रिकॉर्डिंग और इंफॉर्मेशन के रिट्रीविंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेजर प्रिंटर्स, बारकोड स्कैनर्स, डीवीडी प्लेयर्स आदि में भी काम में लाई जाती है। लेजर्स का उपयोग हम स्पेक्ट्रोमीटर्स नाम के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी करते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रोमीटर्स ऐसी उपकरण होते हैं जो कि लाइट से संबंधित करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी में काम में आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मार्स पर जो चट्टानें थी उसमें उपस्थित केमिकल्स के टाइप्स को जानने के लिए जो स्पेक्ट्रोमीटर काम में लिया गया था उसमें लेजर लाइट उपयोग में ली गई थी। लेजर का मुख्य सिद्धांत जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, जिसको हम इन तीन प्रकार की मैकेनिज्म से समझ सकते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं और वो फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हायर स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन केवल 10^-8 सेकंड तक ही रह सकते हैं। उसके बाद जो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन स्वतः ही अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं। एक तीसरी प्रोसेस जो होती है वो स्टिमुलेटेड एमिशन होती है। जब हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में होता है और बाहर से कोई फोटोन इंसिडेंट होता है तो बाहर से इंसिडेंट होने वाला फोटोन इस एक्साइटेड स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन को अपने ही जैसा फोटोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, और जब ये हायर स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर स्टेट में आता है तो वो सेम टू सेम इंसिडेंट फोटोन वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंसिडेंट फोटोन वाला ही फोटोन उत्सर्जित करता है। इस तरीके से जो दोनों फोटोन हमें प्राप्त होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं। अगर हम ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि हायर स्टेट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएं तो हम केवल एक फोटोन के द्वारा जो है स्टिमुलेटेड एमिशन को उत्पन्न कर सकते हैं, और इसमें हमें जितने भी फोटोन्स यहाँ प्राप्त होंगे वो सारे के सारे कोहेरेंट होंगे, जिससे जो लाइट होगी आउटपुट में जो हमें लाइट प्राप्त होगी वो एम्प्लीफाइड लाइट होगी, जिसका उपयोग हम लेजर को बनाने में करते हैं। लेजर को बनाने के लिए एक जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत काम में आता है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। सामान्य स्थिति में हम देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक और हायर स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा संभव होता है कि हायर स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक और लोअर स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाए। इस स्थिति को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं, और पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति को पैदा करने के लिए हम एटम्स में मेटास्टेबल स्टेट्स काम में लेते हैं। मेटास्टेबल स्टेट्स वो एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं जिनमें की लाइफ टाइम जो है वो सामान्य स्टेट्स से अधिक होता है। सामान्य स्टेट्स में जो एक्साइटेड स्टेट्स में लाइफ टाइम 10^-8 सेकंड होता है, परंतु मेटास्टेबल स्टेट्स में लाइफ टाइम 10^-5 सेकंड से 10^-3 सेकंड तक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मेटास्टेबल स्टेट्स में जो एटम्स हैं वो अधिक समय तक रह सकते हैं।
इस प्रकार से हम लेजर की प्रोसेस को समझ सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पंपिंग की प्रोसेस द्वारा हायर स्टेट्स में पहुंच जाते हैं, और हायर स्टेट्स में ये केवल कम समय के लिए 10^-8 सेकंड के लिए रहते हैं, और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा इस मेटास्टेबल स्टेट्स में पहुंच जाते हैं। मेटास्टेबल स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स अधिक समय तक रह जाते हैं, इस कारण यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति प्रोड्यूस हो जाती है। हायर स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लोअर स्टेट से अधिक हो जाती है। अब अगर कोई भी इंसिडेंट फोटोन इनके ऊपर गिरता है तो वो फोटोन अपने ही जैसे फोटोन जो है वो एमिट करता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ नीचे आते हैं और ये और जो फोटोन्स उत्सर्जित होते हैं वो कोहेरेंट होते हैं, और जो लाइट होती है वो एम्प्लीफाइड लाइट होती है। इस प्रकार हमने देखा कि लेजर क्या होता है और उसको कैसे हम काम में लेते हैं और लेजर का सिद्धांत क्या है। थैंक यू।